तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि लैपटॉप कैसे चलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी। पसंद आए तो भाई लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई भी अगर आपके मन में सवाल रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए जो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं कि लैपटॉप को चालू कैसे किया जाता है। तो इसमें जो है एक बटन रहती है और इस बटन पे जो है एक लोगो बना रहता है। तो आप सभी को स्क्रीन पे एक लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस लोगो को जो है ध्यान से देखिए और आपको देखना है कि ये लोगो जो है आपके लैपटॉप के किस बटन पे लगा है। ठीक है, जिस बटन पे ये वाला लोगो बना होगा उस बटन को दबा दीजिए, आपका लैपटॉप जो है वो चालू हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पे जो है ना ये वाले बटन पे ये वाला लोगो बना है, तो मैं यहाँ पे दबा देता हूँ। एक बार जो है आप सभी को प्रेस करना है तो आपका जो लैपटॉप है वो चालू होने लगेगा। ठीक, दूसरी चीज़ ये है भैया कि जो ये बटन मेरे यहाँ पे है तो आपके लैपटॉप में ना वो बटन कहीं पर भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे लोगो आपको दे दिया है, ये लोगो को देखना है और जहाँ पे ये वाला लोगो जो है जिस बटन पे आपके लैपटॉप पे होगा वहाँ पे दबाएंगे तो आपका लैपटॉप जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो भैया ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं टच पैड। ठीक, यहाँ पे जो है दो बटन होती है, एक होती है लेफ्ट बटन और एक होता है राइट बटन। तो इस वीडियो को बनाते समय जो है मैं आप सभी को लेफ्ट बटन और राइट बटन के बारे में ही बताऊंगा कि लेफ्ट बटन दबा रहा हूँ कि राइट बटन दबा रहा हूँ। ठीक, अधिकतर जो है हम लेफ्ट बटन की यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, उसको कट करने के लिए, सॉरी कट करने के लिए नहीं, मतलब कि उसको बंद करने के लिए किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो मैं जो है इस बटन का, मतलब कि कोई भी जो है इसी बटन का इस्तेमाल करता है। ठीक, और इसका जो है यूज़ होता है ऑप्शन के लिए, मतलब कि किसी भी चीज़ को कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, तो इस बटन का भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो चलिए जो है यहाँ पे जो है स्क्रीन हमारा जो लैपटॉप है वो चालू हो चुका है। अब जो है मैं आप सभी को बता देता हूँ कर्सल के बारे में कि कर्सल होता क्या है। तो ये देखिए एक एरो जो है आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये मूव हो रहा है इधर उधर अगल बगल जो ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भैया, इस एरो को जो है कर्सल बोलते हैं। ठीक, और इसको जो है मूव कैसे करते हैं, इधर उधर कैसे करते हैं, तो इसको जो है आपको करना क्या है, अपनी उंगली को जो है यहाँ पे टच पैड पे रखना है और आप इसको मूव करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो ये जो है मूव होता है। ठीक है, तो ये टच पैड पे जो है आप इसको आगे पीछे अगल बगल यहाँ पे जो है आप कर सकते हैं। ठीक, अब जो है हम जानते हैं ये मेन स्क्रीन के बारे में। तो जब भी हम अपना लैपटॉप ओपन करेंगे तो ये जो है ना कुछ इस प्रकार से आपका लैपटॉप ओपन होता है और आपके लैपटॉप में जो है कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आती है। ठीक, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। और यहाँ पास जो है बहुत सारे एप्लीकेशन आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, और यहाँ पास जो है आप सभी को एक पट्टी दिखाई दे रही होगी, तो ये जो पट्टी जो होती है वाइट कलर की। ठीक है, एक बार जूम कर देता हूँ, यहाँ पास जो है आप सभी को नीचे की तरफ जो है दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये वाइट कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं टेक्स बार। यहाँ पर भी जो है कुछ एप्लीकेशन हम लोग रखते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन इसलिए रखते हैं ताकि किसी भी एप्लीकेशन को जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन को जो है हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक, यहाँ पास या टेक्स्ट बार में, यहाँ पर जो है एक बार जो है हम जाने के बाद लेफ्ट क्लिक कर देते हैं या लेफ्ट वाले बटन पे दबा देंगे कर्सल को ले जाने के बाद, तो ये एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो है हम जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पास जो है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पास जो हम कर्सल को ले जाते हैं मूव करके, और यहाँ पास जो हम एक बार लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, लेफ्ट वाले बटन पे दबाते हैं, तो ये देखिए हमारा जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो चुका है। ठीक, जैसे हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन होता है उसी प्रकार से जो है यहाँ पे लैपटॉप में भी जो है नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो ऊपर की तरफ दिखाई देंगे और यहाँ पे जो शॉर्टकट ऑप्शन आप सभी को मिल जाते हैं। तो इन शॉर्टकट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने ब्लूटूथ को, वाईफाई को, या जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं इस शॉर्टकट के ऑप्शन को इस्तेमाल करके जो है आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पूरे शॉर्टकट ऑप्शन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो है आप सभी नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए यहाँ पास जो है ब्राइटनेस का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पास जो है आप अपने लैपटॉप के ब्राइटनेस को ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, इसको जो है हमको बंद करना हो तो हम जो है इस कर्सल को जो है बाहर लेके आना है और फिर जो है हमको यहाँ पे लेफ्ट वाली बटन पे जो है दबा देना है। ठीक,
तो आपको याद रखना है लेफ्ट बटन का मतलब क्या है और राइट बटन का मतलब क्या है। एक बार फिर से जो मैं आपको बता देता हूँ, लेफ्ट बटन ये वाली होती है, राइट बटन ये वाली होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पास ले चलते हैं, यहाँ पास ही पुनः, और फिर जो है आप सभी को यहाँ पे स्पीकर का जो एक ऑप्शन, एक लोगो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास जो हम कर्सल एरो को जो है यहाँ पे लेके आते हैं, कर्सल को यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पास जो है एक बार लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये 36 लिखा हुआ है। तो ये होता क्या है कि अपने स्पीकर के, लैपटॉप के स्पीकर के आवाज़ को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ला के जो है मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पास जो देखिए इसकी आवाज़ जो है ज़्यादा हो गई है, ठीक है। फिर जो है इसको कम करना है तो यहाँ पास ला के जो है मैं लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो है इसकी आवाज़ कम हो गई है, ठीक। तो अपने लैपटॉप के आवाज़ को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए ये वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप सभी को यहाँ पास, ये देखिए यहाँ पास ये बैटरी का जो है ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, अधिकतर जो है हमको लेफ्ट क्लिक ही करना रहता है लैपटॉप में, ठीक है। अधिकतर जो है हम लेफ्ट क्लिक की, लेफ्ट की का ही जो है इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो। तो यहाँ पे जो हम क्लिक कर देते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आकर ये चेक कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप की बैटरी कितना चार्ज है, ठीक। फिर जो है हमको इसको बंद करना हो तो हम बाहर आके एक बार क्लिक कर देते हैं, यहाँ पास लेफ्ट क्लिक, फिर जो है ये बंद हो चुका है, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पास जो लिखा हुआ देखने को आपको मिल रहा होगा, टाइप टू हेयर, ये देखिए टाइप टू हेयर, नहीं टाइप हेयर टू सर्च, ठीक है। ये वाला जो है आप सभी को एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। मान के चलिए आपने कोई चीज़ डाउनलोड की या किसी से जो है आपने कोई चीज़ ली है, चाहे फ़ोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ आपने रखा है और आपको मिल नहीं रहा है, ठीक। तो आप जो है उसका नाम जो है यहाँ पे लिख दीजिए, वो चीज़ जो है आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे एम, एम से जैसे मेल आता है तो मेल लिख देंगे तो मेल जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मेल जो है ये सबसे ऊपर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी चीज़ को खोजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके क्लिक कर दीजिए और वो चीज़ अगर आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी हो वो आपके जो है यहाँ पे आके शो होने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ से जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इसको जो है हमको बंद करना हो तो हमको क्या करना है, बाहर जाके, बाहर जाना है हमको, कर्सर को लेके जाना है बाहर और यहाँ पे जो है एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है, ठीक। फिर उसके बाद जो है हमको जानते हैं इसके बारे में, मेन्यू के बारे में। तो ये विंडो की जो दिखाई दे रहा है, विंडो का जो ये लोगो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये लोगो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो कंप्यूटर की जो है ये मेनू ओपन हो जाती है, जितने भी एप्लीकेशन है कंप्यूटर में वो सभी जो है यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे, ए से स्टार्ट होने वाले, फिर सी से स्टार्ट होने वाले, ये देखिए ये सभी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी एप्लीकेशन जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नीचे जाना हो तो आपको क्या करना है, कर्सल को यहाँ पास ले जाना है इस डंडे के ऊपर, फिर यहाँ पास जो है आप सभी को दो बार लेफ्ट क्लिक करके दबाए रखना है और फिर जो है आप इसको नीचे करेंगे तो आप इसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है, नीचे आ जाएगा ये। और आपको नीचे जाना है तो फिर जो है आपको इस डंडे पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को दो बार क्लिक करके दबाए रखना है और दबाए रखने के बाद जो नीचे की तरफ आप करिए तो ये जो है नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक। इसको भी जो हम बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाहर आके एक बार क्लिक कर देते हैं, लेफ्ट क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। तो अभी तक जितना भी काम किया है हमने वो किया है भैया ये वाले की से, लेफ्ट क्लिक इसको बोलते हैं, ठीक है। इस पे जो है दबाकर जो है हमने किसी भी एप्लीकेशन को ओपन किया और उसको जो है हमने क्लोज किया, यहीं पर से जो है सभी काम मैंने अभी तक किया है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे इसके बारे में जो है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक। अब जो है हम जान लेते हैं कि हमारे मोबाइल में क्या होता है, एक एप्लीकेशन आता है जिसको हम बोलते हैं फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में जो है जो भी चीज़ हमारी, जो गाना रहता है, फोटो रहता है, वीडियो रहती है, वो सभी चीज़ें जो है हमारे फाइल मैनेजर में मिल जाती है। तो कंप्यूटर में भी जो है एक फाइल मैनेजर रहता है, इसका नाम जो है चेंज है, इसको बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहता है, ये अधिकतर जो है आप सभी को टेक्स बार, ये जो लाइन आपको बताया था पट्टी, इसी में जो है आप सभी को ये वाला लोगो जो है दिखाई देगा,
ठीक है। तो एक बार फिर से जो मैं इस कर्सल को हटा देता हूँ, ये देखिए लोगो जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी को ये बोलते हैं फाइल मैनेजर, ये कुछ इस प्रकार से जो है आपके लैपटॉप पे ओपन होता है। अब इसको बंद करना है तो फिर से जो है हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास चल के जो है हम इसको, ये देखिए यहाँ पास जो है कट का एक बटन दिखाई दे रही है, यहाँ पे जाके एक बार जो है लेफ्ट क्लिक जो है लेफ्ट वाली बटन पे जो है हमको दबा देना है, ठीक है। तो ये बंद हो गया। तो मान के चलिए ये जो फाइल मैनेजर वाला जो ऑप्शन है, ये फाइल एक्सप्लोरर का जो ऑप्शन है, इसको जो है फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको कैसे ढूंढेंगे, तो इसको ढूंढने के लिए आप क्या करिए कि ये जो देखिए टाइप टू हेयर वाला जो ऑप्शन है, टाइप हेयर टू सर्च वाला ऑप्शन है, इस पे जो आप सभी को क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिख देना है फाइल एक्सप्लोरर। जैसे ही लिखेंगे या फाइल भी लिख देंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर उस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, ये देखिए ये ओपन हो चुका है, ठीक। अब जो है इसके बारे में भी जो है थोड़ी सा बता देता हूँ आप सभी को, फाइल मैनेजर के बारे में, जो फाइल एक्सप्लोरर है इसके बारे में जो है मैं आप सभी को समझा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पास जो ये किनारे की तरफ जितने भी जो चीज़ें हैं ना, ये देखिए ये यहाँ पास ये सभी जो है फोल्डर डिवाइड हैं, सब जो है अलग अलग फोल्डर हैं। तो इन फोल्डर में जो है सभी चीज़ें जो है आप रख सकते हैं, या कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड वाले ऑप्शन में चली जाएगी। तो ऐसे जो है पूरे फोल्डर रहते हैं और उसी में जो है सभी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप में क्लिक किया, डबल क्लिक कर दिया हमने यहाँ पास, लेफ्ट क्लिक जो है दो बार क्लिक किया यहाँ पास जल्दी से, तो ये देखिए ये ओपन हो चुका है, ठीक है। डाउनलोड पे दो बार क्लिक कर दिया तो ये ओपन हो गया, ठीक। डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कर दिया तो ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ओपन हो गया। तो ऐसे जो है हम यहाँ पे पूरे फोल्डर को जो है ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, अपने जो ये जो मैंने बताया था लेफ्ट बटन, इस पे जो है दो बार क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोल्डर ओपन हो रहे हैं, ठीक। अब जो है हम जान लेते हैं इसके बारे में, यहाँ पास जो है कि कैसे जो है एप्लीकेशन को बंद करते हैं, कैसे जो है उसको छोटा करते हैं, कैसे जो है मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास जो है आप सभी को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पास जो है कट के बगल में जो है एक ये वाला ऑप्शन है, इसको भैया बोलते हैं मिनिमाइज का ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन बंद नहीं होता है, एप्लीकेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक। जैसे ही उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन जो है मिनिमाइज हो जाएगा, और मिनिमाइज होने के बाद जो वो टेक्स्ट बार पे जो है शो होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए तुरंत ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जिसको मिनिमाइज करना है तो यहाँ पर जो है फिर से जाके क्लिक कर दिया, ये मिनिमाइज हो गया, ठीक। तो यहाँ से जो है हम एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई भी फोल्डर ओपन किए हो या कोई भी एप्लीकेशन ओपन किए हो, अगर ये वाली माइनस वाली बटन दिखाई दे रही है तो उस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन जो है मिनिमाइज हो जाता है। उसके बगल पे जो है आप सभी को दो ठो बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पास, ठीक है। इस बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक, उसके जस्ट बगल में जो है राइट मिनिमाइज के राइट वाले में जो है बॉक्स एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो उस एप्लीकेशन का या उस फोल्डर की साइज जो है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। फिर से बड़ा करना हो तो फिर से जो है हमको यहाँ पे दबा देना है तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद जो है यहाँ पास आना है हमको, अगर इस एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो यहाँ पास आने के बाद जो है हमको लेफ्ट क्लिक कर देना है एक बार। एक बार जो है हमको लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है, जो फोल्डर है, वो क्लोज हो गया है, बंद हो गया है, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे वो आप क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हो या फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं या OBS इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको क्लोज करना है तो वो कट वाले बटन पे जो है आप सभी को ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और वो जो है ऑटोमेटिक एप्लीकेशन बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने ये सब चीज़ें सीख ली हैं। अब उसके बाद जो है मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने बोला था कि ये वाले बटन के बारे में बताऊँगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मान के चलिए कि मैं जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। एक मिनट, मैं फायरफॉक्स को ही ले लेता हूँ, यहाँ पास फायरफॉक्स का जो है एप्लीकेशन को, ये फायरफॉक्स है, यहाँ पास जो है हमने कर्सर लेकर गए, ठीक है। और यहाँ पास जो है मेरे को इसको ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप में ये जो है स्क्रीन पे है तो यहाँ पे जो है हमने डबल क्लिक कर दिया जल्दी से लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले बटन को दो बार टच किया और ये एप्लीकेशन जो है ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है।
अब इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इसको जो है हम यहाँ पास कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कट कर देते हैं। अब इसको जो है हमको बंद करना है, तो यहाँ पास जो कट वाले ऑप्शन पे, क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ये एप्लीकेशन बंद हो गया। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे जाते हैं इसी जो है फायरफॉक्स वाले ब्राउज़र पे। ठीक, और यहाँ पर जाने के बाद जो है हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं। लेफ़्ट क्लिक का मतलब ये होता है कि ये वाले पे जो है, ये वाले ऑप्शन पे जो है, ये वाले बटन पे, सॉरी राइट क्लिक पे जो है हम राइट वाले बटन पे जो है दबाते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे दबा देता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पास दबा दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे दबाया तो यहाँ पास जो है बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पूरे ऑप्शन आ गए। जैसे कि हमको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो यहाँ पास जो है हम जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ओपन कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन आते हैं वो कैसे आते हैं, तो हमको जो है कर्सर को यहाँ पे ले जाना है, और एक बार फिर से जो है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पास जो है मैं टच पैड के राइट वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये राइट वाले बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो यहाँ पास जो है मेरे को कॉपी करना है, कट करना है, डिलीट करना है, यहाँ पर जो भी चीज़ करना है मैं ये यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे को इसको ओपन करना है, तो ओपन वाले ऑप्शन में जाके अब सेलेक्ट करने के लिए हमको लेफ्ट बटन, लेफ्ट वाले जो है बटन खुद पे जो है हम क्लिक किए, और ये देखिए ओपन हो गया। ठीक है, ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब इसको जो है हमको नोटिफिकेशन आया, इसको हम जो है यहाँ पास कट कर देते हैं और इस एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन आते हैं, उस ऑप्शन के लाने के लिए जो है हमको इस टच पैड के राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं, ये वाले जो है क्लिक का इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को लाने के लिए जो है हम ये वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम अपने लैपटॉप को चला सकते हैं। तो भैया यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें मैं बताया हूँ, ये जो है अभी नॉर्मल चीज़ें थी। आने वाली अगले वीडियो में जो है मैं आपको और भी कई चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में केवल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ भी कहना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।